महाप्रबंधक की सक्रियता से हमालों की हड़ताल खत्म हुई है। आप समझ चुके होंगे हम किस खबर के विषय में आपको बताने वाले हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक बार फिर से संवाददाता भास्कर भारद्वाज की इस रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि हमालों को समिति भुगतान करेगी, ऐसी बात कही गई है। डोंगरिया कैंप में सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील अंतर्गत डोंगरिया कैंप में मजदूरी का भुगतान नहीं होने से हमाल हड़ताल पर चले गए थे, जिसको लेकर धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद हो गई थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरसी पटेल को लगी तो पटेल जी ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए डोंगरिया कैंप पहुंचकर हमाल संघ से बातचीत करी और उन्हें समझाया बुझाया और यह भी बताया कि आज से उनका भुगतान समिति के द्वारा किया जाएगा। कुछ समिति प्रबंधक ने बताया कि कैंप में धान चोरी होने की समस्या भी आ रही है, जिसको लेकर महाप्रबंधक ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति समिति प्रबंधकों को दी। महाप्रबंधक आरसी पटेल की सक्रियता नजर आई और सभी कर्मचारियों और हमालों ने खुशी जाहिर करी और हमालों की हड़ताल अब खत्म हुई है। संवाददाता के साथ देखें विस्तृत रिपोर्ट। परिचय देंगे आपका, ज्ञानेश्वर ठाकरे। कौन से खरीदी केंद्र है आपकी? डोंगरिया केंद्र क्रमांक 3 जी, विपणन से केंद्र धान खरीदी प्रभारी केंद्र। यहाँ आपके यहाँ पे आज काटा क्यों बंद है, धान तौल नहीं हो पा रहा है? हमारे यहाँ जो लेबर लोग हैं, कहना चाहिए हमारे, धान जो तौलते हैं, डंप करते हैं, सब ये जो काम होता है उनके थ्रू, तो उन लोगों को यानी आज स्ट्राइक है। उनसे बात हुई तो बोल रहे थे कि अभी हम जैसे अभी काम कर रहे हैं तो पेमेंट हमको जो है वो मार्च में मिलने वाला है, तो हम रोज कमाने खाने वाले हैं, मार्च तक हम कहाँ इंतज़ार करेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पर 5 केंद्र हैं डोंगरिया केंद्र में, यानी परिसर में कहना चाहिए, तो 5 केंद्रों में स्ट्राइक है उन लोगों की। तो किसान बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो परेशान तो थे पर अभी चले गए हैं, अब काटा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, धान छोड़ करके। यहाँ देखा जाता है कि कई सालों से यहाँ पे पुराना धान भी रखा हुआ है, कई सड़ रहा है, अब किसान भी अपना धान छोड़ करके गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वो तो ऐसा है, हम लोग भी ध्यान देते हैं, वो लोग भी ध्यान देते हैं। आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस चीज़ों से? नहीं, अभी जस्ट हुआ है तो अभी बात किए हैं, अभी प्रबंधक महोदय को बता दिए हैं और सर लोगों से बात करना है। नोडल अधिकारी के संज्ञान में बात डालें आपने? नहीं, अभी बताने वाला हूँ, बस ये 10-15 मिनट के पहले की बात है, इसलिए बता नहीं पाया हूँ, लगाने वाला हूँ फोन अभी। आपका परिचय बताएं। मैं सर ये कैब का मुकदम हूँ, हमारे अंतर्गत यहाँ पे ये स्टेकिंग का काम, खरीदी का काम जो अपने लेबर करते हैं वो चलता है सर। आपने अभी स्ट्राइक किया था, हड़ताल किया था, किस वजह से किया था? सर हमको क्या है, ये जो तौल और मार्का का ये पैसा तो समिति देती थी, ये तो हमको कंफर्म था, लेकिन इस बार क्या है, पहले ट्रांसपोर्टिंग के जरिए हमारा जो स्टेकिंग का काम है इसका पैसा मिलता था सर, लेकिन इस बार क्या है, ट्रांसपोर्टर ने बोल दिया कि हमको कोई आदेश नहीं है, अब पैसा हमको कहाँ से मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी सर, इसलिए हमने काम को स्ट्राइक किया था। अभी आरसी पटले जी आए थे महाप्रबंधक जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनने हमको आश्वासन दिए कि बोले यह पैसा जो आपका स्टेकिंग का है यह अभी समिति के द्वारा भुगतान होगा आपको। तो आप कब से काम चालू करेंगे? सर हम कल, आप अपना जो टाइम है उस टाइम से हम लोग ये अपना दोनों तीनों काम जो है अपन लोग स्ट्राइक चालू कर देंगे, यानी स्ट्राइक नहीं करेंगे, चालू कर देंगे। संतुष्ट हैं आप? जी अब हम संतुष्ट हैं, हमको क्या है वही चाह रहे थे हम लोग कि कहीं से भी अपने को पता चले कि कहाँ से पेमेंट होगा, तो हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं, उन्होंने जो बोले हम कल से काम चालू कर देंगे। सर आज विजिट पे आए हैं आप, क्या पाया गया? यहाँ देखा मैंने कि एक तो खरीदी अभी बंद थी लेबर की प्रॉब्लम के कारण, और जो लेबर स्टैंकिंग काम कर रही है वही लेबर परचेसिंग में काम कर रही है, वो तो ठीक है, पर उनके कुछ पैसों का इशू था, पेमेंट उनको कौन करेगा? विगत वर्षों में जो स्टैकिंग करते थे उसका पेमेंट वो ट्रांसपोर्टर करते थे, पर इस वर्ष से चूंकि सोसाइटी को ही इनको पेमेंट करना है और इनको निर्देशित भी किया था, तो शायद एक कम्युनिकेशन गैप था, अब इनको बता दिया है सोसाइटी इनको पेमेंट करेगी और काम हो जाएगा। सर यहाँ पे एक इशू आया है हमालों का भी, उन्होंने अभी स्ट्राइक कर दी है, काम बंद कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में किसान क्या कर पाएंगे, इसमें तौलक नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, अब तो चालू हो रहा है ना, अब तो कोई इशू नहीं है, वो लेबर यहाँ है नहीं, लेबर स्ट्राइक में थी, उनसे बात हो गई है, उनके मुकदम से भी हम बात कर लेते हैं कि पैसा उनको सोसाइटी देगी, वो चालू हो जाएगा। सर एक इशू और आया है कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए जितने माल यहाँ पे
फैला हुआ है, यहाँ पे चोरियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर अभी परसवाड़ा कैब से भी वहाँ पे 7 बोरियाँ हो गई है और एक कैब से 50 बोरियाँ चोरी हो गई। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से समितियों को हमने कहा है कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकीदार रखें, और चूंकि इस प्रकार की घटनाएं घट रही तो एक सूचना पुलिस को भी दें। तो इसमें पुलिस वालों से भी अनुरोध करेंगे कि रात में थोड़ा सतर्क मात करें। सर, एक काफ़ी केंद्रों में देखा गया है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे गए हैं, लेकिन अभी ये इतने बड़े कैप हैं यहाँ पर, क्या सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं, हम इनको निर्देशित कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। लगा लें भाई,